Yes, dear students, in the series of numerical physics, we'll continue with this numerical. Today we will see a numerical which is based on the electric circuit. यहाँ पर हम देखें कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड है. कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रेजिस्टर शोन इन द सर्किट. कैपेसिटेंस and the internal resistance of the battery is negligible and the capacitance of condenser is 0.4 microfarad. We have to determine the current in this 2 ohm resistor. Now under a steady state condition, is branch mein koi current flow nahi hoga. There will be no current will flow in this branch. So is branch ko neglect kar de to hamare paas ab kya ho gaya. Circuit ko hum dhyan se dekhen तो ये सर्किट हो जाएगा आपका ये और ये. मींस ये सर्किट पिक्चर में नहीं रहा, मतलब ये 2 ओम और ये 3 ओम जो कि पैरेलल में है और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो, एंड वी कैन टेक दिस बैटरी एंड 2.8 ओम एंड इट इज लाइक दिस. हियर द करंट, यहां पे हम करंट आई ले लें, यहाँ पर I1 है और यहाँ I2 है. तो टोटल करंट जो होगा आपका I=I1+I2 होगा. अब यहाँ पे हमको बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट की. इफ हम यदि इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो हम करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो I=6V/Req एंड Req मीन्स 2 ओम एंड 3 ओम बोथ आर इन पैरेलल. तो 2 × 3/2+3 और ये इसके सीरीज में है तो ये हमको टोटल आर इक्विवेलेंट दे देंगे. तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका प्लस 2.8 को ऐड कर दें, ये हो गया आपका 6/5 + 1.8 एंड इट इज 1.2 + 1.8 तो ये हो जाएगा आपका 2.8. तो यहां पर हम देखेंगे हमने सर्किट में ये सर्किट पिक्चर में नहीं क्योंकि अंडर स्टेडी स्टेट करंट इसमें कोई करंट नहीं होगा इस ब्रांच में. नाउ अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया. 4 ओम आ गया तो 6/4 इट इज 1.5 एम्पीयर. अब करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, I=1.5 एम्पीयर. अब इस ब्रांच में करंट निकालना है हमको, तो आप देखें इस ब्रांच में करंट निकालना है आपको. तो करंट डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आप सामने वाले का रेजिस्टेंस ले लें. मींस इफ यू वांट टू नो द करंट इन I1 सो द रेजिस्टेंस आप सामने वाला रेजिस्टेंस ले लें मींस 3 ओम और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें 3+2 से और मल्टीप्लाइड विद जो करंट फ्लो रहा I उसको ले लें. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो गया आपका 3/5 और करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 1.5 है. तो यहाँ देखेंगे 5 × 3 = 0.3 आ गया आपका और 3 × 0.3 ये आपको 0.9 एम्पीयर करंट दे देगा. तो हम इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. हमको रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज ये पता है. यहाँ हमने करंट डिवीजन मेथड का यूज किया. करंट डिवीजन मेथड सिंपल मेथड है. जब आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है तो सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस और इसका टोटल रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करके टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है, जो आ रहा है, इनकमिंग हो रहा है उस सर्किट का, उसको ले लें तो आपको उस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट मिल जाएगा. अब इस ब्रांच में करंट निकालना तो ये रेजिस्टेंस ले, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. बट आंसर जो है आपका ये आ रहा है आपका 0.9 एम्पीयर. दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर. इस ब्रांच में करंट निकालना है तो या तो टोटल करंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी पता लग जाएगा, या फिर I2=2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 2/5 × I सो 2/5 × 1.5 ये हो गया आपका 0.3 एंड ये हो गया आपका 0.6 एम्पीयर. I2=0.6 एम्पीयर और I1 हो गया आपका 0.9 एम्पीयर. तो 0.9 + 0.6 टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 1.5 एम्पीयर. So this way we can determine the current in a given resistor. So इस तरह से हम इस numerical को solve कर सकते हैं.